हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफर में। सामने जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये है यशो भूमि की बिल्डिंग, जो कि इंडिया का ही नहीं एशिया का सबसे लार्जेस्ट कन्वेंशन सेंटर है और ये आता है द्वारका के सेक्टर 65 में। आज हम यहाँ से दिल्ली एयरपोर्ट, जो 12 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ जाने वाले हैं और देखने वाले हैं सारी जगह को। यहाँ पर लेफ्ट की साइड ये सारा का सारा जो एरिया आपको नजर आ रहा है, ये द्वारका का एरिया है दिल्ली के अंदर। यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपको आसमान में एरोप्लेन्स जरूर नजर आएंगे और यहाँ पर भी आप देखें तो सामने से एरोप्लेन जो है वो आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एयरपोर्ट जैसा मैंने आपको बताया यहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी पे है। रोड से अगर वैसे देखें तो हार्डली 5 किलोमीटर ही है। अभी हम जहाँ पर खड़े हैं ये UER2 एक्सप्रेसवे की रोड है और यहाँ से ये नज़ारा आपको नजर आ रहा है। सामने आप देखें तो स्पाइस जेट का जो एरोप्लेन है वो जा रहा है, तो यहाँ से ऐसे दृश्य नजर आते रहते हैं। लेकिन इससे भी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन दृश्य अभी आप देखने वाले हैं। सामने है इंडिया का सबसे बड़ा LED स्क्रीन, जो कि यशो भूमि के जो आउटर बिल्डिंग के फैकेड है उस पर लगाया गया है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है रात के वक्त। ये जो है ये UER2 जो एक्सप्रेसवे है वो है, और ऐसा नया जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पर डेवलप होता जा रहा है और बहुत ही ज़्यादा आई कैचिंग नज़र आता है। जब भी आप यहाँ पर ड्राइव करेंगे तो ऐसा नज़ारा आपको ज़रूर बहुत ज़्यादा आकर्षित करेगा। अब हम यहाँ से जो कन्वेंशन सेंटर है यशो भूमि, उसके अंदर की तरफ भी जाएंगे। थोड़ा सा अंदर का नज़ारा लेते हुए हम फिर दिल्ली एयरपोर्ट जो है उस तरफ जाएंगे। 12 किलोमीटर का हमारा डिस्टेंस रहने वाला है। इस तरफ आपको बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होती हुई इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि यहाँ पर दो एक्सप्रेसवे बने हुए हैं, एक है UER2 एक्सप्रेसवे और दूसरा द्वारका एक्सप्रेसवे, तो उसकी जो कंप्लीशंस है वो यहाँ पर अभी चल रही है, इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर नज़र आ रहा होगा काम होते हुए। सामने आप बोर्ड देखें तो यशो भूमि का गेट नंबर जो 8A है सामने ही है। हम यशो भूमि के अंदर जाने वाले हैं। सामने यहां पर जो गेट नंबर 6 है UER2 जो एक्सप्रेस वे, उसी के साथ से बनाया गया है ताकि एक्सेसिबिलिटी जो है इन एंड आउट की बहुत अच्छी रहे। तो हम यहां से जो कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर जा रहे हैं। हालांकि हमें किसी को यहां पर ड्रॉप करना है, इसलिए हम अंदर कॉम्प्लेक्स में वॉकिंग तो नहीं करेंगे, लेकिन यहां से ड्रॉप करते हुए जितना नज़ारा हमको नज़र आएगा वो दिखाते हुए यहां से हम एग्जिट करेंगे। तो ये है इंडिया के और एशिया के सबसे बड़े लार्जेस्ट कन्वेंशन सेंटर की अंदर की तस्वीर जो अब नज़र आ रही है आपको, और बहुत ही ज़्यादा सुयोजित तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, विश्व स्तरीय स्टैंडर्ड पर बनाया गया है। आप देखें तो बहुत ही ब्यूटीफुली अंदर जैसे आप एंट्री करते हैं तो आपको जो दृश्य है वो नज़र आता है। लेफ्ट में यहाँ पर ड्रॉपिंग पॉइंट है, तो आप अगर अपने किसी साथी के साथ यहाँ पर आते हैं और किसी को ड्रॉप करना है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। हमें अभी आज ड्रॉप ही करना है, तो यहाँ से आप देखें सीमलेसली आप बहुत ही ईजिली यहाँ से बाहर निकलना चाहे तो इस कॉम्प्लेक्स को इस तरीके से फ्लाईओवर के साथ जोड़ा गया है कि आप आराम से एंट्री और एग्जिट जो है बिना कहीं पर किसी रुकावट के कर सकें। और अब क्योंकि ये ऑपरेशनल है तो हम यहाँ से जो द्वारका सेक्टर 21 की तरफ का रास्ता है और एयरपोर्ट का रास्ता है उस तरफ मुड़ जाएंगे। यहाँ से राइट मुड़ते के साथ ही आपको दो रास्ते दिखाई देंगे। एक रास्ते पे आपको ब्लॉकेजेस दिखाई देंगे, ये जो नज़र आ रही है आपको यहाँ पे ब्लॉकेजेस पत्थर लगाए गए। ये रास्ता जो है आगे धोलाकुआं और IGI एयरपोर्ट जो है उस तरफ जा रहा है। यहाँ पर क्योंकि अभी आप देखें तो कुछ भी ट्रैफिक नहीं आता है, क्योंकि अभी पूरी तरीके से ये जो रास्ते हैं ऑपरेशनल नहीं है, अभी बनाए गए हैं, जस्ट बने हैं और जस्ट ओपन किए गए हैं। हालांकि पूरी तरीके से ओपन नहीं है, लेकिन कभी कभी अगर ये ब्लॉकेजेस ओपन है तो आप यहाँ से आ सकते हैं। यहाँ पर फिर से आपको बोर्ड नज़र आएगा और इस बोर्ड पर आप देखें तो एक रास्ता जनकपुरी द्वारका सेक्टर 21 और 23 की तरफ जाता है और एक रास्ता धोलाकुआं और IGI एयरपोर्ट की तरफ जाता है। हमें जो IGI एयरपोर्ट और धोलाकुआं की तरफ का रास्ता है उस पर जाना है। UER2 के थ्रू ही हम जा रहे हैं। ये जो भी स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है ये UER2 है, जो कि एक तरीके से दिल्ली की थर्ड रिंग रोड बनने वाली है जब ये पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो जाएगी। यहाँ
यहाँ पर इन एक्सप्रेसवे के थ्रू काफ़ी अलग अलग जगहों को जोड़ा जा रहा है। सामने आप देखें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे गुरुग्राम और सोनावली रोड है लेफ्ट में, हालांकि वो क्लोज्ड है लेकिन वो स्ट्रक्चर भी बनके ऑलमोस्ट तैयार है। तो यहाँ से आप अगर चाहें तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे द्वारका एक्सप्रेसवे को जोड़कर सोना रोड की तरफ से जा सकते हैं। द्वारका 21 का भी जो रास्ता है, पहले ये बंद था, ये ओपन हो चुका है। तो अगर आप द्वारका 21 की तरफ जाना चाहते हैं तो लेफ्ट में जा सकते हैं। सीधा हम जा रहे हैं, ये रास्ता जो है आगे महिपालपुर की तरफ जाता है और ये अभी UER2 एक्सप्रेसवे ही चल रहा है। आगे ये जो एक्सप्रेसवे है ये द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ कंबाइन हो जाएगा और फिर वो दोनों एक्सप्रेसवे साथ में मिलकर महिपालपुर तक जाते हैं। यहाँ पर इस जगह पर आके ये जो एक्सप्रेसवे है UER2 वो अब एलिवेटेड से ग्राउंड लेवल पे आ जाता है। सामने आपको दूर पर अंडरपासेस काफ़ी सारे नज़र आने लग जाएंगे। वहाँ पर जो बिजवासन ओवरब्रिज है वो भी उस जगह को कहा जाता है। तो रेलवे स्टेशन जो है वो यशोभूमि से हार्डली 3 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो डेवलपमेंट है, कंस्ट्रक्शंस हैं वो हुई है और कनेक्टिविटी को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाया गया है। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि द्वारका एक्सप्रेसवे और UER2 एक्सप्रेसवे जो है वो कंबाइन हो जाते हैं। तो ये जो जगह है यहाँ से आप कह सकते हैं आप द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए जहाँ पर ये अंडरपास खत्म होता है वहाँ से टनल बनाई गई है और उस टनल के थ्रू आप जा सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें जैसे अंडरपास से बाहर आ रहे हैं तो ये आप देखें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो ऊपर का भी स्ट्रक्चर है जहाँ से एग्जिट करेगी या एंट्री करेगी गाड़ियाँ, ये टनल है। द्वारका एक्सप्रेसवे का नीचे का पार्ट है और ऊपर का एक तरीके से आप कहें तो UER2 का ही पार्ट है या सर्विस लाइन भी कहा जा सकता है। तो ये जो 3.5 किलोमीटर की टनल है यहाँ पे वो द्वारका एक्सप्रेसवे का पार्ट है और ये ऊपर का पार्ट जो है ये आप कहें तो UER2 का ही कह सकते हैं। यहाँ पर ऊपर भी काफ़ी सारा काम चल रहा है, वो आप देखते रहेंगे आगे हम जाएंगे। तो यहाँ इस रोड के पैरेलल में लेफ्ट में जितना भी एरिया आपको नज़र आ रहा है जहाँ पे आपको रडार भी नज़र आ रही है, ये इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है उसका जो रनवे है वो यहीं लेफ्ट में चलता है। तो काफ़ी सारे एरोप्लेन्स आपको इसलिए इस रोड पर नज़र आते रहते हैं और इस रोड को काफ़ी ज़्यादा समय के साथ वाइड कर दिया गया ताकि जो ट्रैफिक है वो यहाँ पे स्मूथ चल सके। पहले बहुत नैरो हुआ करती थी लेकिन अब इस रोड को बहुत ही ज़्यादा चौड़ा बना दिया गया है और व्यवस्थित भी किया जा रहा है, ग्रीनरी को भी लगाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है जितना ब्यूटीफुल इसे बनाया जा सके उतना बनाया जाए। इस तरफ आने पर आपको फिर से काम बहुत होता हुआ नज़र आएगा। सामने की तरफ आप देखेंगे तो काम जो है यहाँ पर अभी ऊपर की तरफ भी काफ़ी चल रहा है, नीचे से यहाँ पे टनल है और सामने जो आपको राउंड में जो स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं वो एग्जिट हैं जहाँ पर जो द्वारका एक्सप्रेसवे की 3.5 किलोमीटर की टनल जो बिजवासन ओवर ब्रिज से स्टार्ट हुई थी जहाँ पर हमने देखा था वहाँ से यहाँ पर एंड होगी और यहाँ से एग्जिट होगा टनल के थ्रू। और ये जो रास्ता है यहाँ से हल्का सा मोड़ा गया और यहाँ पर आपको अगर आप चाहें तो आपको सामने जो रनवे है वो साफ नज़र आता है, इसीलिए लोग यहाँ पर खड़े भी हैं। और अगर हम भी देखना चाहें तो सामने अगर आप देखें तो आपको एरोप्लेन्स जो है यहां पर घूमते हुए नजर आ जाएंगे। तो इसलिए आजकल क्योंकि यहां पे कंस्ट्रक्शन है तो ये व्यू आपको नजर आता है। तो अब हम यहां से एयरपोर्ट रोड की तरफ जा रहे हैं। ये जो जगह है ये महिपालपुर का एरिया है जो कि NH8 पर आता है। इस तरफ भी कंस्ट्रक्शन काफ़ी चल रही है क्योंकि एक अंडर जो टनल है एयरपोर्ट के लिए वो भी बनी है यहां पर। और यहां से जो नई रोड बनाई गई है एयरपोर्ट की जिसको रीडेवलप किया गया, हम उस तरफ जाने वाले हैं। यहाँ लेफ्ट में आप देखें तो जय कुमार के बोर्ड्स आपको नजर आएंगे जो कि यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है उसे कर रहे हैं। यहाँ से ये जो रोड शुरू होती है इस रोड को कहा जाता है IGI एयरपोर्ट T3 रोड। और यहाँ पर लेफ्ट में आप बोर्ड भी देख सकते हैं, टर्मिनल T2, T3, T1 और कार्गो टर्मिनल के लिए ये रोड जाती है और इसे भी बहुत ही रिसेंटली में रीडेवलप किया गया है। सामने आपको जो ऊपर से रास्ता नज़र आ रहा है वो एरोप्लेन्स के लिए टैक्सी वे है जो डोमेस्टिक को इंटरनेशनल के साथ जोड़ता है। और ये आपको दूसरी तरफ से भी नज़र आएगा अभी हम यहाँ से देख रहे हैं। और यहाँ पर आप देखें तो आपको मैंसन भी मिलेगा, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका स्वागत करता है। तो इस तरीके का रीडेवलपमेंट करके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इस स्तर पर, इस स्टैंडर्ड पर लाया गया है कि यहाँ पर अगर आप ड्राइव करेंगे तो आपको जो फील है वो वर्ल्ड क्लास है।
अभी शाम के लगभग 6:30 बजे का वक्त है और सूरज आप सामने देखे तो बहुत ही ब्यूटीफुली आपको उसकी जो चमक है वो नज़र आती है। और जब ऐसी चमक में आप इस सड़क पर घूम रहे हो तो क्योंकि ये जो जगह है ये बहुत ही खास जगह है, यहाँ पर पास में एयरपोर्ट है और जब एयरपोर्ट की रोड कहीं पर भी बनाई जाती है तो उसकी जो खासियत है वो अलग ही हो जाती है। यहाँ पर आपको सब कुछ बहुत ही ज़्यादा सुयोजित मिलता है, सड़कें चौड़ी, साफ सुथरी, व्यवस्थित, सब कुछ जो है आपको एक इंटरनेशनल फील और वर्ल्ड क्लास लेवल का ही नज़र आता है। इस तरफ आप देखें भी तो जो सड़कें हैं उनके साथ में डिवाइडर पे भी बहुत ही ब्यूटीफुली ये जो पेड़ हैं वो लगाए गए हैं। अब हम ऑलमोस्ट जो एयरपोर्ट है उस तरफ पहुंचने वाले हैं हम, क्योंकि हमें एयरपोर्ट नहीं जाना है तो हम यहाँ से यू टर्न लेके एरोसिटी के पास से हम निकल जाएंगे। और शाम का वक्त है तो सब कुछ आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ही नज़र आएगा। सुंदरता अगर आपको दिल्ली की देखनी है तो आप इस तरफ आ सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा आपको यहाँ पर आनंद आएगा जब भी आप यहाँ पर ड्राइव करेंगे। यहाँ से सामने आपको ATC टावर जो है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, वो आपको नज़र आ जाएगा। और हम आगे नहीं जाएंगे, आगे यहाँ से हार्डली 2 से 3 किलोमीटर पर एयरपोर्ट आ जाता है, हम यहीं से यू टर्न ले लेंगे और एरोसिटी की तरफ चले जाएंगे। तो ये जो सारी की सारी रोड है ये एयरपोर्ट की रोड है और आप देख सकते हैं किस तरीके से, किस तर्ज पर इसे बनाया गया है। यहाँ पर ये जो रास्ता है यहाँ से यू टर्न लेके आपको आगे टैक्सी वे फिर से नजर आएगा, जो हमने उस तरफ देखा था इंटरनेशनल के पास वो इस तरफ भी वो जो टैक्सी वे है वो नज़र आने वाला है आपको। हरियाली इस तरफ आपको भरपूर मिलेगी और देख सकते हैं आप तो कितना हरा भरा एरिया है, और ऐसी जो हरियाली होती है उसे देखकर तो सच में ही आपको बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हमने लगभग यशोभूमि से यहाँ तक 10 से 12 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर किया है और आपने देखा होगा कि हर तरफ हर चीज़ यहाँ पे बदल दी गई है। ये जो रोड्स हैं इन्हें भी रीडेवलप किया गया था G20 के टाइम पर, यशोभूमि भी G20 के लिए ही बनाया गया था लेकिन क्योंकि कोविड हुआ था बीच में तो उसकी वजह से वो डिले हो गया 1 साल। और अगर यहाँ भी आप देखें तो रीडेवलपमेंट करके बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको नज़र आता है सामने। ऊपर अगेन जो टैक्सी वे था जो हमने पहले जब हम एयरपोर्ट रोड पर आए थे T3 की वहाँ पर देखा था, वही टैक्सी वे ऊपर से यहाँ पर आपको ऊपर कभी कभी जो एरोप्लेन है वो भी जाते हुए नज़र आते हैं। सामने राइट में जो एरोसिटी का नया फ्लाईओवर बनाया गया था वो आपको नज़र आएगा और पीछे जो काम चल रहा है वो एरोसिटी का जो एक्सपेंशन है उसका काम है। इसके ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई थी, आप चाहें तो हमारे चैनल पर देख सकते हैं, क्योंकि एरोसिटी जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट एरिया बनने वाला है और यहाँ पे इंडिया का सबसे बड़ा मॉल जो है वो भी कंस्ट्रक्ट होने वाला है। तो ये जो जगह है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी भी यहाँ पर काफ़ी सारे होटल्स हैं, लगभग 14 से 15 होटल्स हैं, रिटेल है, यहाँ पर आपको फूड कोर्ट मिल जाता है और ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेस भी मिलते हैं, तो काफ़ी प्राइम जगह है। यहाँ पर ये जो रोड्स हैं इन सब को रीडेवलप किया गया है, रीडिज़ाइन किया गया है, रिनोवेट किया गया है और तब जाके ये जो स्ट्रक्चर है अब यहाँ पर नज़र आता है। सामने JW मैरियट होटल, उसके आगे हयात होटल है और यहाँ से सामने सीध में जो है वो डोमेस्टिक एयरपोर्ट का रनवे है जो आपको शायद नज़र ना आए लेकिन डोमेस्टिक एयरपोर्ट की जो बिल्डिंग है वो आपको नज़र आ जाएगी। यहाँ सामने जैसे ये रोड मुड़ रही है तो सामने आपको एक बिल्डिंग नज़र आएगी, शायद हम देख पाएँ सामने जो यहाँ पर लेफ्ट की तरफ आपको स्ट्रक्चर नज़र आए वो डोमेस्टिक एयरपोर्ट जो है उसका टर्मिनल है, T1 टर्मिनल है। तो हम जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उससे डोमेस्टिक की तरफ आ रहे हैं, ये जो रास्ता है डोमेस्टिक के लिए कहा जाता है। राइट में जैसे आप देख रहे हैं ये होटल्स हैं सारे एरोसिटी के। तो उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है आज की आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।